थोड़ी समय में बीटीसी में इतना बड़ा पंप आया कि अब ये $70,000 को फिर से टेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल पॉइंट बन गया कि अगर $70,000 का पॉइंट क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे हमें $2,000 से $3,000 का प्रॉफिट और भी ज्यादा मिलने वाला है बीटीसी में। और इसी के साथ साथ जो ऑड कॉइन्स है वो भी बहुत ही अच्छा पंप कर रहे हैं ऑलरेडी। आज के दिन हम मार्केट में देख पा रहे हैं कि सोलाना जैसे कॉइन या फिर एवलांच जैसे कॉइन बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसी के साथ नियर प्रोटोकॉल, तो जो अच्छे डिफाई टोकन्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं। एंड एक चीज़ आप हमेशा देखोगे बीटीसी पंप होगा और इसी के साथ साथ जो सारे के सारे टॉप मीम कॉइन्स हैं वो भी अच्छा चलने वाले हैं। फ्लॉकिन वो अच्छा चल रहा है, WIF जो कि डॉग वेव आर्ट है, और इसी के साथ साथ पेपे कॉइन है, बॉन्ग कॉइन है, ये सारे के सारे बहुत ही बड़ा पंप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी एक मौका मिल चुका है प्रॉफिट बुक करने का। तो लास्ट टाइम थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिली थी तो उसकी वजह से हमने क्या की एक बहुत अच्छी बाइंग भी करी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं दोबारा से फिर से ग्रीड बढ़ना शुरू हो चुका है। मार्केट कैप $2.6 ट्रिलियन से भी ऊपर जा चुका है। तो डेफिनेटली अभी मार्केट फिर से रिज्यूम हो चुकी है, यानी कि फिर से बुलिश हो चुकी है। तो थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, लेकिन वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ्ड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां भी हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालने वाले हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो आज के दिन ही BTC का प्राइस $65,000-66,000 के आसपास चल रहा था और सडनली ये $70,000 तक आप देख सकते हैं सामने पहुंच चुका है, और BTC का जो डोमिनेंस है ये भी लगभग 52% तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ खास पंप ऑर्डकॉइंस में नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन अभी बिल्कुल नई शुरुआत हुई है BTC को देखते देखते। यहाँ पे आप देखोगे इथेरियम जैसे कॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सारे अच्छा पंप करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो सोलाना है $200 को फिर से क्रॉस करेगा, BNB फिर से $600 को क्रॉस करके लगभग $650 तक जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि टॉप डिफाई टोकन्स जो हैं या फिर आप टॉप यहाँ पे जो कॉइन्स देख सकते हैं टॉप 10 में टॉप 20 में जो आते हैं वो आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, क्योंकि बार बार ऐसी जब करेक्शन आती है जो प्रॉफिट आप बुक कर लोगे उसी प्रॉफिट से आपने दोबारा बाइंग करनी है नीचे जाकर, और आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा रेवेन्यू में से वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा और आपके पास नंबर ऑफ कॉइन फिर से सेम आ जाएंगे। लेकिन यही चीज़ आप मीम कॉइंस के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो डेफिनेटली मीम कॉइंस भी अभी पंप हो रहे हैं। तो आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा आखिरी बार जब हुआ था वो 2021 में हुआ था कि BTC $70,000 तक पहुंचा था या फिर $69,000 से ऊपर गया था किसी दिन, और आज के दिन फिर से यहाँ पे जो पंप आया इसकी वजह से $195 मिलियन से भी ज़्यादा लिक्विडेशन हुई हैं, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ था उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा यहाँ पे। और ये डिटेल आप यहाँ पे कॉइन क्लास के डेटा के ऊपर भी देख सकते हैं। तो जो लोग बोल रहे थे कि हाँ थोड़ा सा पंप आया था या फिर एक बार मार्केट ऊपर गई थी अब दोबारा फिर से कभी नहीं होने वाली, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी हमेशा आती ही आती है। और यहाँ पे साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स जो फेल हो गए थे बेयर मार्केट में, फॉर एग्जांपल अगर हम टेराफॉर्म की बात करें, FTX की बात करें, तो वो भी रिकवरी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मार्केट में रिकवर करके फिर से मार्केट में सही ढंग से उतरें। आज आप लूना का प्राइस देखोगे $1 के आसपास ही रहता है लगभग, और अगर हम FTX की बात करें तो उसमें हमने 3 से 4 गुना तक का प्रॉफिट ऑलरेडी कमाया है, क्योंकि हमने बाय किया था बेयर मार्केट में और अभी उसको सेल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स डेड थे लेकिन इन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है। सिमिलरली अगर हम मीम कॉइन्स की बात करें तो डॉज कॉइन है, बॉम कॉइन है, शिबा इनू है, तो ये डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट देने वाली हैं। और शिबा इनू की जो लिस्टिंग आई है वो australianbitcoin.com के ऊपर आई है, तो एक बहुत ही बड़ा मूव है और ये आज के दिन ही हुआ, ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे शिप की जो रिसर्च है वो गूगल के ऊपर ट्रेंड कर रही है, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है। तो आज का हमारा ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था कि अभी मार्केट पंप हो रही है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करें, क्योंकि मैं यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाना चाहता था ICP के ऊपर, TRX यानी कि ट्रॉन के ऊपर, BTTC के ऊपर यानी कि ट्रॉन के इकोसिस्टम में जो कॉइन्स आते हैं उनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। एंड हाँ, आप बिटमार्ट के ऊपर जा सकते हैं, बिटमार्ट के ऊपर आपको हमेशा वो कॉइन्स मिलने वाले हैं जो शायद किसी और एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं होने वाले या फिर जिनकी लिस्टिंग बहुत ज़्यादा लेट आती है। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही ऐसे कॉइन्स मिल जाते हैं जो आपको सबसे पहले मिलते हैं और जिनको आप ट्रेड बाद में बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी कर सकते हैं। तो बिटमार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ऑफर्स भी मिलने वाली है, यानी कि आपको यहाँ पे $10 या फिर उससे बड़ा रिवॉर्ड भी मिलने वाला है अगर आप साइन अप करते हो और अपनी UID नीचे कमेंट करते हो, तो मैं आपके साथ खुद कॉन्टैक्ट में रहूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।